हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 9 SE एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन एंट्रिंग एनिमेशन सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन एंट्रिंग एनिमेशन सेटिंग जो है चेंज होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन एंट्रिंग एनिमेशन, इसे सेलेक्ट करना है। अब ये पेज आपका ओपन होगा, ऊपर की साइड ये बड़ी सी आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन दे रखी है, आपको सैंपल में दे रखी है। आपको नीचे की साइड ये बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस का आपको यूज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाले बॉक्स पे मेरा टिक मार्क पहले से लगा हुआ है, तो इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर शो हो रहा है। होता क्या है, देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये सेटिंग काम कैसे करती है। देखिए यहाँ पे जो ये एप्स है ना, डॉट डॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एप्स हैं। जब भी हम अपने मोबाइल फोन को अनलॉक करते हैं ना, तो हमारे मोबाइल फोन के ऐप्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, इस तरीके से। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने फोन को अनलॉक जैसे करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा ऐप्स को। आपने देखा ऐप्स जो है ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए थे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, नीचे की साइड आप इस एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए जो और भी बॉक्स हैं, आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एनिमेशन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कोई सा भी दूसरा बॉक्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे की साइड अप्लाई का बटन जरूर दबाने, तभी आपका ये एनिमेशन चेंज होगा। अब देखिए जो ऐप्स है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं आप फिर से अपने फ़ोन को अनलॉक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऐप्स को, आपने देखा मूवमेंट जो है नीचे से ऊपर की तरफ हुई थी, ठीक है ना। तो ये सेटिंग जो है इस तरीके से काम करती है, आपकी होम स्क्रीन एंट्रिंग एनिमेशन सेटिंग, और आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये सेटिंग आपकी तभी काम करेगी जब आपके फोन पे स्क्रीन लॉक लगा होगा, ठीक है, क्योंकि आप अपने फोन को अनलॉक करेंगे तभी तो आपके ऐप्स जो है मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में चेंज करके, ठीक है।